हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग जैसे भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डॉक्टर गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू डॉक्टर गार्ड चैनल। दोस्तों, आज मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, आर एच ई एफ डी मेडिसिन मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज मेडिसिन का स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसका कंपोजिशन क्या है और इसका यूज क्या है और किस किस बीमारी में ये काम करती है और किन किन बीमारियों में ये दिया जा सकता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, अगर अभी तक डॉक्टर का चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए और आगे बढ़ा के, जैसे कि आगे बढ़ा के ना देखिए। तो चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की ओर, पहले इसका देख लेते हैं एम आर पी, एक्सपायरी डेट, उसके बाद चलते हैं आगे की मेडिसिन की ओर। देख लेते हैं दोस्तों इसका जो एम आर पी जो है, देख लेते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, 83 रुपया 40 पैसा। और एक्सपायरी डेट जो है 19 में फ्रेंचाइज की गई और 21 का इसका एक्सपायरी डेट है। तो दोस्तों, कभी भी मेडिसिन लें, कभी भी किसी भी मेडिकल शॉप पे लें, तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक्सपायरी डेट देख के लें, क्योंकि मेडिसिन तभी असल मानी जाती है खुराक के लिए जब मेडिसिन एक्सपायर ना हो। क्योंकि दोस्तों, ये बात जो बहुत अहम भूमि है ये पेशेंट के लिए, ये मेडिसिन एक्सपायर होना तो और एक्सपायरी डेट देखना। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग जब भी मेडिसिन देखेंगे, मेडिसिन खरीदेंगे किसी भी मेडिकल शॉप पे, तो आप लोग एक्सपायरी डेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की ओर, और इसका कंपोजिशन क्या है और इसका उपयोग क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग से के साथ शेयर करते हैं। चलते हैं दोस्तों मेडिसिन की ओर। आर एच ई एफ डी, जिसका कंपोजिशन है राइफामपाइसिन। दोस्तों, इसका कुछ नाम जो है कुछ अजीब प्रकार की है, तो सुनते हैं, देखते हैं। राइफामपाइसिन, आइसोनियोजाइड, एथाम्ब्यूटोन, हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट। तो दोस्तों, इसका जो यूज क्या है, इसका तो कंपोजिशन देख लिए। राइफामपाइसिन का उपयोग जो है क्षय रोग और कुष्ठ रोग के लिए उपयोग किया जाता है। और आइसोनियाज़िड जो है तपेदिक यानी टीबी के इलाज में आइसोनियाज़िड का उपयोग किया जाता है। इथाम्बुटोल का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसका उपयोग इथाम्बुटोल का उपयोग क्षय रोग या टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस के उपचार में किया जाता है। एथम्ब्यूटोल ज़्यादातर उन सभी मीन्स एथाम्ब्यूटोल के कारण बनने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है जो मैकोबैक्टीरियम समूह में आते हैं, जैसे एम ट्यूबरकुलोसिस, एम एविवियम कॉम्प्लेक्स, एम कैनासिस, एम मेरिनियम। तो दोस्तों, इसका उपयोग क्या है और राइफामाइसिन का, जैसे मैंने बता दिया है, यह एक एंटीबायोटिक है और जीवाणुरोधी दवा है। यह संक्रमण करने वाले बैक्टीरिया को मार मारकर काम करता है। और आइसोनियाजाइड एक भी यह भी एक एंटीबायोटिक है। यह उन जीवाणुओं को मारता है जिनसे टीबी होती है। इथाम्ब्यूटोल जो है यह एक बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरकोलिसिस, जैसे कि टीबी पैदा करने वाले जीवाणुओं को के खिलाफ प्रभावी है। यह बैक्टीरिया को बाहरी सुरक्षात्मक कारण यानी सेल वॉल के गठन को तोड़कर बैक्टीरिया की वृद्धि को दबा देता है, जिससे बैक्टीरिया कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं वन बाय वन स्टेप करके मैं इसका तोड़ा हूँ, जैसे कि राइफामाइसिन का उपयोग क्या है, आइसोनियाज़िड का उपयोग क्या है, इथाम्ब्यूटोल का उपयोग क्या है और हाइड्रोक्लोराइड क्यों दिया जाता है, वो तो
हर एक इंसान जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो है कुछ और बेसिक चीज़ जान लेते हैं, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट, ये मेडिसिन किस बीमारी में कैसे किया जाता है। तो RHEFD के रिसर्च के अनुसार इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे मतली मतली होना, उल्टी, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, सीना में जलन, लार, आंसू और मल का रंग बदल जाता है। आइसोनियाजाइड रेफरेनल न्यूरोपैथी, झुनझुनी और थकावट की सुन्नता, जैसे बढ़ी हुई लीवर एंजाइम, हेपेटाइटिस और पीलिया ETC, और एथाम्ब्यूटोल का जो है एक्सपायरी, वर्णता, रंग बोध करने में अक्षमता, हाइपरपिसिमता मीन्स हेपोरोटिसिटी, और ऑप्टिक न्यूरिटिस ETC। तो दोस्तों आज का ये जो है एक्सपायरी भी, ये जो साइड इफ़ेक्ट क्या है, किस और कैसे दिया जाता है, वो भी मैंने किस किस और कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट ये करेगी वो तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज का जो मेडिसिन यही है, आज की वीडियो यही है। तो दोस्तों आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मेरे वीडियो पे चैनल देखते जब भी मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेडिसिन किसी भी ये मेडिसिन किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगी, और ये बहुत ही मेडिसिन बहुत ही टफ है और बहुत ही केयरफुली है। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करूँगा जो मेडिसिन को बहुत ही गौर से ले और बहुत ही सीरियसली ले, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो नज़दीकी जो चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, उसमें आप लोग सलाह ले सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यही रहा। तो दोस्तों अगर अभी तक डॉक्टर का चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर का चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।